हमने लेनी है एक कप बॉईल की हुई चिकन। चिकन को हम पहले अच्छी तरह से वॉश करेंगे और इसे बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद हम इसे बारीक श्रेड कर लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे दो उबले हुए आलू। आलू को हम बॉईल करके अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नूडल्स। कोई भी चटपटा मैगी वगैरह के पैकेट को हम बॉईल कर लेंगे। टेस्ट मेकर के साथ हम इसे बॉईल करेंगे और पानी सिर्फ इतना ऐड करेंगे कि अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। ऐड करेंगे इसमें आधा कप हरा धनिया। हरा धनिया को हम अच्छी तरह से क्लीन करके वॉश कर लेंगे, साथ ही इसे बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। दो से तीन हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे। हरी मिर्चों को भी हम बारीक कट कर लेंगे। अगर आप हरी मिर्च ऐड नहीं करना चाहते तो इसकी जगह कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। आखिर में हम इसमें नूडल्स ऐड कर देंगे। नूडल्स ऐड करने के बाद सारी चीजों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम सारे कबाब्स तैयार कर लेंगे।